गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे कारक। अब प्रश्न उठता है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक, संक्षेप में हम लोग कह देते हैं कि क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कारक? क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक आठ प्रकार के होते हैं। ठीक, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी चर्चा हो जाए एक बार। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और इनके साथ साथ इन कारकों के चिन्ह भी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे आदि। अब एक बात और आती है कि पर सर्ग किसे कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया है या बुक में भी हमने अंडरलाइन कराया कि कारक चिन्हों को ही विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब एक एक कारक की चर्चा हम लोग करेंगे। नंबर वन क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खेलता है भाई, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम, तो राम कर्ता कारक हुआ। ये भी कह सकते हैं कि क्रिया को संपन्न करने वाला शब्द कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे चाहे परिभाषा दे लें, बुक में भी परिभाषा दिया होगा। बुक में एक चीज अंडरलाइन है कि ने परसर्ग यानी चिन्ह, कारक चिन्ह केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है, सब ध्यान दीजिएगा। नंबर टू है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का सर्वाधिक असर पड़े, जिस पर क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़े, जो क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित हो, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं, मैंने तुम्हें पीटा तो मैंने कर्ता कारक, पीटा क्रिया, किसको पीटा? तुमको। तो पिटाई जो क्रिया हुई, पीटने का काम, उसका असर किस पर पड़ा सबसे अधिक? तुम पर, तो तुम कर्म कारक हुए। भाई मेरे पर भी थोड़ा बहुत असर आएगा, इसीलिए हमने शब्द दिया कि क्रिया का जिस पर सर्वाधिक माने सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण जी ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को मारा। कर्म कारक के बाद नेक्स्ट कारक है करण कारक। करण कारक का मतलब जिस साधन से, जिस वस्तु से हम किसी कार्य को करते हैं, या हमारे कार्य करने में
जो एलिमेंट्स जो कर्ण सहायक होते हैं वे ही कर्ण कारक कहलाते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, लिखने का कार्य लिखने की क्रिया हो रही है, इसमें सहायता कौन कर रहा है, सहायक कौन है? कलम। कलम नहीं रहेगी तो कैसे लिखूंगा? तो कलम कर्णकारक। मैं मुंह से बोलता हूं, कर्णकारक मुंह। मैं साइकिल से चलता हूं, कर्णकारक साइकिल। 10 मिनट का काम 2 मिनट में कर देती है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाएगी वह संप्रदान कारक होगा। या जिसे कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाएगी, ये नहीं कि आज दिए कल ले लेना है, ऐसा नहीं। जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाएगी, तो जिसको दी जाएगी वह संप्रदान कारक होगा। जैसे मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ, तो भाई दवा खरीद के ला रहा है किसके लिए? मरीज के लिए। जिसके लिए कोई कार्य कर रहा हो वह संप्रदान कारक। मरीज यहां पर संप्रदान कारक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने दीदी को उपहार दिया, मैंने दीदी को गिफ्ट किया, तो दीदी को गिफ्ट दे देंगे, उनसे दोबारा मांगेंगे नहीं, आपने गिफ्ट दे दिया और उस पर से आपका अधिकार खत्म, हमेशा के लिए आपने गिफ्ट दे दिया, तो दीदी जो है वह संप्रदान कारक होगी। ओके। राजा ब्राह्मण को दान देता है, मैं भिखारी को वस्त्र देता हूं, भिखारी को वस्त्र दे देंगे और फिर उससे मांगेंगे क्या? फिर भेटाएगा तो कि हमारा वो कपड़ा लौटाओ? नहीं। तो जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है और वस्तु पर से देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो जिसको ऐसी चीज हम देते हैं वह संप्रदान कारक कहलाता है। नेक्स्ट कारक है आपका अपादान कारक। अपादान, जहां से कोई वस्तु या व्यक्ति, जहां से कोई वस्तु अलग होती है, उस स्थान को संप्रदान कारक कहते हैं। जहां से कोई वस्तु अलग होती है या व्यक्ति अलग होता है, तो जहां से अलग होगा वह स्थान वह जगह अपादान कारक कहा जाएगा। जैसे तुम घर से विद्यालय आते हो, जब घर के गेट से निकले तो घर से अलग हुए ना, तो घर क्या होगा? अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहां से अलग हुई? हिमालय से। हिमालय अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहां से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। अपादान कारक वृक्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कारक है संबंध कारक। संबंध कारक क्या? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है, कारक चिन्हों से भी पहचान करेंगे भाई घर और सुधा में कोई रिलेशन है, संबंध है। और देखिए सुधा के बाद का या कारक चिन्ह भी प्रयुक्त है,
तो संबंध कारक का चिन्ह भी काके की रारे री नानिनी है, तो इसे भी सुधा जो है संबंध कारक। तुम्हारे पिताजी दिल्ली गए हैं, भाई पिताजी में और तुम्हारे में कोई रिलेशन है ना पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, तो संबंध कारक का चिन्ह काके की रारे री नानिनी। तो तुम्हारे और पिताजी के बीच में संबंध कारक जन संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक हुआ तुम्हारे। सेवेंथ है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब जहां पर कोई वस्तु या व्यक्ति टिका होता है, टिका होता है मतलब उस पर स्थित होता है, उस पर रुका है, बैठा है, खड़ा है, यानी बेस का काम जो वस्तु कर रही है उसे कहते हैं हम अधिकरण कारक। टिका है कि आधार का काम करे, बेस, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है भाई, पेड़ पर, तो पेड़ जो है अधिकरण कारक हो गया। मैं छत पर टहल रहा हूं, छत क्या हुआ, अधिकरण कारक। तुम बेंच पर बैठे हो, अधिकरण कारक क्या हुआ, बेंच। जल में मछली तैर रही है, अधिकरण कारक जल। तो ये सब है। और आठवां कारक है आपका संबोधन कारक। किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, तो प्रभु हो गए संबोधन कारक। इसके बाद कुछ कारकों में अंतर भी दे देते हैं, जैसे करण कारक और अपादान कारक में अंतर, तो अंतर के लिए दोनों की परिभाषा प्लस एक एक एग्जाम पर। कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी अंतर पूछते हैं, तो यही काम करेंगे। वैसे संक्षेप में ये समझ लीजिए कि करण कारक किसी कार्य को करने में सहायक होता है, इसका जो से है, और अपादान कारक का से जो है अलग करता है। अब बुक में दिया है दोनों को, आप देख लीजिएगा। बाकी तैयारी आपकी रोज किया जाए।